हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ एक रिव्यू वीडियो शेयर करूंगी। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूं वो है एक आई शेडो पैलेट। जी हाँ, ये मार्स की आई शेडो पैलेट है। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज की है। ये अभी मार्स ने मतलब कुछ ही टाइम हुआ है इसको, तो 2 or 3 months ही हुए हैं, थोड़े टाइम पहले ही ये लॉन्च हुआ है। तो ये प्रोडक्ट मार्स का एक तरह से न्यू लॉन्च प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं। एंड ये पैलेट मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की है, विच इज़ मार्स मिस मराइज आई शेडो पैलेट। एंड गाइज, ये डिज़ाइन इन इंडिया है, यानी कि मेड इन इंडिया है। मार्स एक इंडियन ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। एंड इसके जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमें अवेलेबल हो जाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात की है कि मार्स मतलब अफोर्डेबल के साथ, ये नहीं कि मतलब चीप प्रोडक्ट निकाल रहा है। मतलब मैंने एक दो चीज़ें ट्राई करी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चीप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट में मतलब कुछ है ही नहीं परचेज करने लायक, जस्ट प्राइस है एंड इमेजेस है बस अट्रैक्ट करने के लिए, वैसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट्स भी मार्स काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। लाइक मैंने अभी आई शेडो पैलेट ट्राई करी है, एक मैंने मार्स का कंसीलर भी ट्राई किया था, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। आज हम इसी आई शेडो पैलेट की बात करेंगे, बाकी प्रोडक्ट की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो गाइज, अगर इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके अंदर आपको इसकी आउटर पैकेजिंग पे आपको सारी डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो विच इज़ आपको इसी सेम ईयर की मिलेगी, जनवरी 1 January 2022। एंड एक्सपायर डेट अब हमें इसकी मिलती है January 2027। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप इसको इजीली 5 years तक यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा होता नहीं है कि मतलब इतनी ज़्यादा आपको लंबी डेट के लिए कोई आई शेडो पैलेट मिले। एंड इसकी बैक आउटर पैकेजिंग पे इसकी एक्सपायर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड इसका प्राइस एंड इसका वेट, आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलते हैं। आपको माइका मिलता है इसमें, टैल्क यूज़ किया गया है, मैग्नीशियम यूज़ किया है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई हैं आई शेडो पैलेट को बनाने के लिए। एंड अगर हम इसकी आउटर पैकेजिंग ओपन करें लाइक के एंड गाइज, अगर अब हम इसकी इनर पैकेजिंग की बात करें हमारी मार्स मिस मराइज आई शेडो पैलेट की, एक तो मुझे इसका नाम इतना अच्छा लग रहा है ना, मिस मराइज, काफ़ी अच्छा और यूनिक सा नाम है। तो जो हमें सारी डिटेल्स इसकी आउटर पैकेजिंग पे मिल रही थी, वही हमें सभी इसकी बैक साइड पे भी मिल जाएगी। इनको क्रॉप करके यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, विच इज़ ग्रेट थिंग। अगर आपकी आउटर पैकेजिंग गुम हो जाती है देन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स, लाइक इसकी एक्सपायर डेट, प्राइस, मतलब जितना कुछ आपका बैक साइड पे लिखा था ना आउटर पैकेजिंग पे, सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी स्टडी है, प्लास्टिक की पैकेजिंग है बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें इसकी पैकेजिंग भी मिल जाती है। बट इसमें अगर मिरर भी होता तो काफ़ी अच्छा लगता हमें भी, मतलब हेल्प हो जाती है कि अगर हम आई मेकअप कर रहे हैं तो सेम पैलेट में मिरर हो तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, अब अगर हम इसकी शेड की बात करें कि हमें इसमें कितने शेड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो इसमें हमें 16 शेड मिलते हैं। इसमें आपको शिमर मिल जाएगा, एक ग्लिटर शेड मिल जाएगा। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था मुझे लगा नहीं था कि इसमें ग्लिटर शेड होगा, आई थॉट कि एक शिमर शेड है एंड काफ़ी मतलब अच्छा वाला शेड होगा, मुझे लगा नहीं था कि ग्लिटर शेड है, शिमर शेड है। इसमें आपको मैट शेड रिसीव हो जाएंगे, मतलब काफ़ी यूजफुल पैलेट है। एंड इसकी अब अगर पिगमेंटेशन की बात कर लेते हैं एंड इसके स्वाचेस वगैरह देख लेते हैं कि हमें कैसी पिगमेंटेशन मिल रही है, तो सबसे पहले हम इसके शिमर शेड से ट्राई करते हैं। आपको येलो शेड आपको मिल जाता है, देन एक पिंकिश, न्यूड पिंकिश काइंड ऑफ आपको शेड मिल रहा है, देन ग्रीन शेड मिल रहा है आपको शिमर में, देन आपको ब्लू शेड मिल रहा है, देन आपको एक ये टर्कोइश काइंड ऑफ शेड मिल जाएगा। एंड अब अगर हम इसकी पिगमेंटेशन देखें तो फर्स्ट आप ब्लू शेड के पिगमेंट देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल एंड पिगमेंटेड है। देन सेकेंड हम देखें इसकी ग्रीन शेड के पिगमेंटेशन, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड पिगमेंटेड। देन देर इज आपका पिंक शेड, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल एंड पिगमेंटेड है एंड इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है, लाइक फॉइल लाइक जो फॉइल आई शेडो होती है उस टाइप से इनका शेड है। दिस इज येलो शेड, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड देन लास्ट वन इज दिस लाइट ब्लू और टर्कोइश काइंड ऑफ शेड, ये भी काफ़ी आपको ब्यूटीफुल मिल रहा है। एंड गाइज, इनकी पिगमेंटेशन सुपर पिगमेंटेड है, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल इनकी पिगमेंटेशन भी है। कि अब हम बात कर लेते हैं इसके मैट शेड्स की, तो आपको एक येलो शेड मिल रहा है आपको, देन एक ऑरेंज सॉर्ट ऑफ अ शेड मिल जाएगा, देन पिंक, देन मजेंटा एंड देन पर्पल, अभी फिलहाल इन्हीं को देख लेते हैं फिर नेक्स्ट उसको देखेंगे। सो पिंक शेड, देन आपका मजेंटा शेड,
देन ऑरेंज शेड, देन येलो शेड एंड पर्पल शेड. अब देखते हैं हम इसका ब्लू कलर एंड दिस ग्रीन एंड ये लाइलैक शेड. तो कहाँ पर दिखाऊँ, ओके यहीं पे देख लेते हैं. सो ये पर्पल है आपका, लाइलैक शेड है लाइट, मतलब इसकी पिगमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, बिल्ड करेंगे तो पिगमेंट ज़रूर दिख जाएगी. देन आपका मेहंदी टाइप शेड है इसमें एंड दिस इज सुपर डुपर पिगमेंटेड नेवी ब्लू शेड. एंड देन आपको एक मेहंदी शेड भी आपको मिल जाएगा दिस. सो ये आपके सारे पिगमेंटेड आई शेडोज आपको मिल जाएंगे. देर इज मैट एंड देर इज शिमर. अब हम इसके एक जो सबसे यूनिक हमें शेड मिल रहा है इसमें ग्लिटर, उसकी भी देख लेते हैं कैसी पिगमेंटेशन है. वाओ, लाइक ओ माई गॉड, मैंने देखी नहीं इतनी अच्छी पिगमेंटेशन किसी आई शेडो पैलेट में एंड वो भी ग्लिटर शेड की, एंड बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हो रहा है. ओके तो ये आपको इसके अंदर ना प्रेस ग्लिटर मिल जाएगा. लाइक आप इसमें अगर जैसे पिक करते हैं ना, लाइक सी आपने पिक किया एंड आपको जस्ट आपको अपनी आईज पे पैट करना पड़ेगा लाइक दिस. एंड काफी ब्यूटीफुल पिगमेंटेशन है इसकी भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसको लगाने के लिए अलग से ग्लू प्लेस करना पड़ेगा देन आप इसको यूज करेंगे. काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, मैं जरूर इसको ट्राई करूंगी इसमें से. तो ये तो थी इन सभी की पिगमेंटेशन. एंड गाइज ये बिल्कुल भी चौकी नहीं है, पाउडरी नहीं है, हल्का फुल्का भी इनमें मुझे फॉल आउट नजर नहीं आया, मतलब बहुत इजीली ब्लेंड हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है. आपको सभी कलर्स इसमें मिल जाएंगे. लाइक आपको किसी भी पार्टी फंक्शन, मतलब क्या होता है ना ज़्यादातर हम ज़्यादातर क्या होता है ब्राइट शेड्स अगर हम पहनते हैं ना तो उस टाइप के शेड्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसमें आपको हर टाइप का कलर शेड मिल जाएगा, हर टाइप के आपको इसमें आई शेडो मिल जाएंगे. एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप इस पर मतलब अगर आप हाँ जैसे हल्दी मेहंदी के लिए आपको मेकअप लुक क्रिएट करना है देन आपको येलो ग्रीन, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल शेड्स हैं. मुझे आई शेडो पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई एंड मैं इसको डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी. आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, इफ़ यू आर बिगनर एंड आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपको चाहिए कुछ फंकी शेड्स हो, कुछ मतलब न्यू शेड्स आप इसमें ट्राई करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं. मैं इस आई शेडो पैलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी. Thank you.